हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में बात की थी। किसके बारे में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। हमने देखा था कि अगर आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हो तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। क्या फॉर्मूला था आपके पास? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। ठीक है, जो हम एलिवेशन आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, सेम टू सेम उसी टाइप का फॉर्मूला है आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने KF का भी फॉर्मूला निकाल लिया था, दैट इज MRTF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया था। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.4 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उन सबका जो मेन पर्पज़ होता है वो मेन पर्पज़ होता है आपके किसी भी अननोन जो सोल्यूट होता है उसका मोलर मास पता करना है। ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप नोट करके लिख सकते हो, द मेन पर्पज़ ऑफ द मेन पर्पज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जितनी भी हम कोरिलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उनका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि कोई आपका अननोन सॉल्यूट है आपके पास तो उसका हम मोलर मास कैसे पता कर सकते हैं, वो है ये। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.4 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड इन 60 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आपका सॉल्यूट है 2.4 ग्राम और सॉल्वेंट का मास आपको दिया है 60 ग्राम बेंजीन आपको दिया हुआ है सॉल्वेंट। ठीक है, इस 0.1 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है आपको दिया हुआ है। ठीक है, 0.1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन प्योर बेंजीन, तो मतलब ये आपका क्या है, डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, 0.1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास हमें पता करना है। KF आपको दिया है बेंजीन का 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फॉर्मूले का यूज है, सिंपल है, पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं इसे। ओके, चलिए देखिए डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला होता है, KF इंटू मोलेलिटी। ठीक है, डेल्टा TF आपको दिया है 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्योर से उतना कम है, मतलब यही क्या है आपका डेल्टा TF हुआ। KF की वैल्यू दी है बेंजीन के लिए, मोलेलिटी निकाल लेते हैं, डेल्टा TF कितना है 0.1 इक्वल टू KF 5.12 इंटू मोलेलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर, आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मास है 2.4 डिवाइड बाय मोलर मास तो हमें पता करना है सॉल्यूट का, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 60 ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं। ठीक है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1000। ठीक है, चलिए अब IM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर ये जो M है ये आएगा आपके पास नीचे, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे इंटू M। ठीक है, यहाँ से M की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर हम देखें M इक्वल टू 5.12 इंटू 2.4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 0.1, यही होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, हमें ये एक पॉइंट से ये पॉइंट गया कैंसिल। ठीक है, ये पॉइंट हटा, ये दो जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 से जाएगा आपका 4 टाइम्स, 6 से जाएगा ये आपका 10 टाइम्स, 10 से 10 कैंसिल, तो 512 इंटू 4 तो मोलर मास आ जाएगा आपके पास 4820।
सोल्यूट का मोलर मास कितना आ गया आपके पास 2048। क्लियर, तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट वैरायटी है, ये डिफरेंट टाइप है आपका पास। अगर आपके पास सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन सेम होता है तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या है, कनेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सोल्यूट, सोल्यूशन और सोलवेंट आपके सेम हो तो आपका जो मोलेलिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों को क्या है, ये कंबाइन कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.138 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 15.2 ग्राम बेंजीन इज 0.52 डिग्री सेल्सियस लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है। तो आपको डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, दैट इज 0.52। सोल्यूट का मास दिया हुआ है 0.138, सोलवेंट का मास दिया है 15.2 ग्राम बेंजीन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, आपको सोल्यूट जो दिया है उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, सेम उसी टाइप से करना है आपको। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, के एफ दिया है बेंजीन के लिए 5.12, के भी दिया है 2.53 और बॉइलिंग पॉइंट प्योर बेंजीन का दिया है 80.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू मोलेलिटी, ठीक है। डेल्टा टी एफ आपको दिया है 0.52 इंटू के एफ, के एफ की वैल्यू दी हुई है बेंजीन के लिए, ये दिस इज 5.12, ठीक है, इंटू मोलेलिटी, फिर से मास अपॉन मोलर मास सोल्यूट के लिए, मीन्स मोल्स 0.138 मास अपॉन मोलर मास सोल्यूट के लिए, इंटू हो जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट दिया है 15.2 ग्राम में है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0.52 इक्वल टू है ये, ठीक है ना। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, कैपिटल एम के लिए। तो थोड़ा सा देखो, आपको अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए, हो सकता है इतनी बड़ी वैल्यू देख के आप डर जाओ, डरना नहीं, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना है, ठीक है ना। जनरली बड़ी क्वेश्चंस कैलकुलेशन आती नहीं एग्जाम में, बट फिर भी आ जाए तो भी अप्रोक्सीमेशन लग के आपको करनी है, आंसर लाना ही है, ठीक है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं हम, एम की वैल्यू मैं लिखता हूँ पहले, तो एम को इस तरफ ले लेता हूँ, दैट इज़ 5.12 इंटू 0.138 इंटू 1000 डिवाइड बाई 15.2 इंटू 0.52, क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है, आपका ये पॉइंट हटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, ठीक है, और ये तो ये कैंसिल हट गया, ये हटेगा डिवाइड बाय 1000, सभी पॉइंट हटा दिए हमने, ठीक है। चलिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, क्लियर है। अप्रोक्सीमेशन लगाइए, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स, 520 आता है, 512 है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम इसको कैंसिल करेगा, क्लियर है। चलिए क्या बचा आपके पास, ये कितना है 10 और 10, 100 है और ये 152 है, 10 से जाएगा आपका 15 टाइम्स, 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। नीचे केवल 3 बचा हुआ है, इधर 138 इंटू 2, 3 से मैं इसको अगर काउंट करूँ तो 3 4 12 इंटू 6, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आ रहा है इसका कितना आ रहा है, 92 आ रहा है, ठीक है। तो आपको अब किस में चेक करना है, अभी तो आप KLC में चेक कर लोगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ऑप्शन में चेक करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार ऑप्शन दे रखे हो और पहला ऑप्शन हो 91, फिर 92, 93, 94, इस टाइप के चार ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस टाइप के इतने क्लोज चार ऑप्शन हैं तो फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, आपके ऑप्शन दूर होने चाहिए, जैसे 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, 190 हो गया, इस तरह से डिफरेंस होना चाहिए ऑप्शन के अंदर, तब आप जो 90 वाला है उसको लिख सकते हो कि हाँ वो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आपका 92 आया है। तो आपका हो सकता है
करेक्ट आंसर है वो क्या हो, 90 हो, ठीक है ना। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो केएलसी से, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो लगभग 90 के आसपास आएगा, ठीक है। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह से अप्रोक्सीमेशन लेके ऑप्शन देख के आपको करना है, क्लियर है ना। चलिए, ये करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इसका ऑलमोस्ट 88 के आसपास आएगा, 88 या 89 के आसपास, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन अप्रोक्सीमेट आप हमने किया है इसलिए हमने इसे ऐसा लिया है, क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब ये देखिए, हमें पता है डेल्टा टीएफ, या फिर अगर हम बात करें डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू मोलेलिटी, और डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ इंटू मोलेलिटी। क्योंकि आपका सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन सब सेम है तो आपकी मोलेलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से अगर हम डेल्टा टीबी डिवाइड बाई डेल्टा टीएफ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, केबी डिवाइड बाई केएफ, ठीक है। डेल्टा टीबी हम निकालना है, ये हमें पता है डेल्टा टीएफ ये दिया हुआ है, ठीक है, केबी और केएफ की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ से हम डेल्टा टीबी निकालते हैं, वो कितना होगा, केबी डिवाइड बाई केएफ, केबी कितना है 2.53, डिवाइड बाई केएफ कितना है 5.12, इंटू टीएफ डेल्टा टीएफ 0.52। तो देखिए यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएं तो ये 5 से कितने बार जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स जाएगा, और 2.5 डिवाइड बाई 10 लगभग 0.25 के आसपास आंसर आएगा इसका, और करेक्ट आंसर है 0.24 के आसपास, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन में देख के लगाना है, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, कभी भी कैलकुलेशन करने मत बैठना एग्जाम में, ठीक है ना, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। डेल्टा टीबी आ गया आपके पास, अब क्या बचा है, बॉइलिंग पॉइंट हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें प्योर का पता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो उसमें क्या कर दो, ऐड ये आप ऐड कर दो, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, कितना आएगा, जो भी प्योर का है दैट इज 80.2, उसमें डेल्टा टीबी को ऐड कर दो 0.24, तो आपके पास आएगा 80.44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछते पूछते बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कि हमें इस टाइप से उनको सोल्व करना है, क्लियर है। चलिए, ये आपके सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसे नोट कीजिए। फिर एक और थर्ड टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये फिर से एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लास में लास्ट लेक्चर में भी, कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है उसको जब आप फ्रीज करते हो तो आपके सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, फ्रीज होता है, जबकि सॉल्यूट का जो होता है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट वुड सेपरेट आउट, जो बाहर निकल गया, ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम वाटर टू -9.3 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि आपने 250 ग्राम वाटर लिया, उसमें आपका 62 ग्राम आपका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। उस सॉल्यूशन को आपने कूल किया है कहाँ तक, -9.3 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने उसको -9.3 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया है, इसका मतलब कुछ वाटर आपका जो सॉल्यूशन का पार्ट है, वो जो सॉल्वेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो अमाउंट जो आइस में कन्वर्ट हुआ है, जो सेपरेट आउट हुआ है, वो कितना है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। केएफ की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये इक्विलिब्रियम में होता है जब इसको हम फ्रीज करते हैं, तो आपका केवल और केवल सॉल्वेंट क्या होता है, फ्रीज होता है, सॉलिड सॉल्वेंट क्या होता है, फ्रीज होता है, जबकि सॉल्यूट के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। द
देखिए इसको समझते हैं। जैसे ये आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या दिया हुआ है, 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, ठीक है। साथ में आपको दिया है वाटर, दैट इज 250 का वाटर H2, ठीक है। अब आपने इसको लेके गए -9.3 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसमें से कुछ वाटर तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ बच जाएगा। मान लो बचा हुआ है WH2, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट वुड सेपरेट आउट ऑन कूलिंग। तो इसमें से जो पार्ट, जो अमाउंट कूल होके आइस में कन्वर्ट हो गया है, वो पार्ट आपको बताना है। तो हमने देख लिया जो बचा हुआ है वो WH2 है। मान लीजिए ये जो सोल्यूट है ये तो रहेगा पूरा, बिल्कुल ये रहेगा 62 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल, ये रहेगा आपके पास, ठीक है। अब हमें पता करना है WH2O, ठीक है, कि कितना बचा हुआ है। इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कौन सा वाला पार्ट जो सेपरेट हुआ आइस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए जो प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने उसको -9.3 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल्टा एफ होता है हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ कितना होगा आपका 9.3 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है ये चीज़। 0 - -9.3 कितना हो जाएगा, 9.3 ग्राम्स हो जाएगा, 9.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ आप अप्लाई कर लीजिए जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, मोलेलिटी निकाल लेते हैं। देखिए डेल्टा टी एफ कितना है, 9.3 इक्वल टू के एफ दिया हुआ है 1.86 इंटू मोलेलिटी सोल्यूट के लिए, मास अपॉन मोलर मास 62 ग्राम दिया इथाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो ये होता है CH2OH, ये होता है आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका मोलर मास अगर हम देखें कितना आएगा, 14 into 228, 28 plus 34 62 आएगा, क्लियर है। तो मास भी कितना है, 62, मोलर मास भी 62 है। तो 62 डिवाइड बाय 62 ये तो हो गया 1, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूट अपने को निकालना है, WH2 नहीं पता है, निकालना है, इंटू 1000 कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ग्राम में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए ये तो हुआ, कट गया 1 9, यहाँ से अगर हम WH2 निकालें, WH2 उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.86 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1860 डिवाइड बाई 9.3 का डबल कितना होता है, 18.6। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये 2 टाइम्स से आएगा, 200 ग्राम। यहाँ से आपके पास जो WH2 है वो कितना बच गया है, 200 ग्राम। तो आप जो सेपरेट आइस हुआ है उसका वेट निकाल लीजिए, आइस आइस दैट इज सेपरेट आउट 250 - 200 इक्वल टू 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जो आइस है, जो आपका वाटर है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, और बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जा सकता है, हालांकि इस लेवल तक क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे तब पूछे जाते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चन से पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एडवांस में अगर चाहे तो वो आपको पूछ सकता है, बाकी मेंस और नीट वगैरह में इस टाइप के इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला
जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो स्टार्टिंग के मैंने दो क्वेश्चन कराए उनमें से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मान लो आपको कहीं क्वेश्चन मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए, जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट होगा वही क्या होगा आपका, फ्रीज होता है, ठीक है ना, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता है, वो चीज़ ध्यान रखना है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट अपना, ठीक है ना। ये एक फिर से एक डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले के लिए, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाई वेट यूरिया एंड 10% बाई वेट ग्लूकोज। अब तक हम देख रहे थे कि हमारे पास सॉल्यूशन में केवल एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, दो सॉल्यूट ऐड कर दिए, हमने यूरिया को भी ऐड कर दिया और ग्लूकोज को भी ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, और एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर के अंदर ही है। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, ठीक है। नॉर्मली वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा टी भी निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। वो अगर आपने निकाल दिया, उसमें ऐड कर दो 100, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और के भी आपको वाटर के लिए दिया है 0.5, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, हम मान लेते हैं आपका सॉल्यूशन लेट 100 ग्राम जो भी है, ठीक है ना, लेट सॉल्यूशन 100 ग्राम आपको दिया हुआ, ठीक है, और जिसमें से आपको 5 ग्राम क्या दिया हुआ, 5% वेट दिया है यूरिया का। तो हम कह सकते हैं कि मास जो है आपका यूरिया का वो कितना होगा, 5 ग्राम होगा, ठीक है। और अगर हम ग्लूकोज का मास लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हमने लिया है आपका 100 ग्राम है, तो वेट या फिर आप लिख सकते हो मास ऑफ, यहीं से मैं लिखता हूँ, मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि 5% दिया हुआ है तो 5 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम मास ऑफ ग्लूकोज लें कितना आ जाएगा आपके पास, 10 ग्राम आ जाएगा, और बचा हुआ क्या रहेगा, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट। जब भी परसेंट वाले क्वेश्चन आए कोशिश करो 100 से शुरुआत करने की, ठीक है ना, तो इजी पड़ता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना होगा, 85 ग्राम, क्लियर है। चलिए अब आपको निकालना है डेल्टा टी। तो देखिए बात ऐसी है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर हमने सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है, तो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। अगर हम दो सॉल्वेंट मिला देंगे जो दूसरा सॉल्वेंट है, उसकी वजह से भी होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जितने ज़्यादा सॉल्वेंट डालोगे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केवल इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से भी होगा। ये भी क्या है, आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, दोनों की वजह से आपको डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उन दोनों का एडिशन होगा, वो आपके पास क्या आएगा, कंप्लीट डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी। मतलब जो डेल्टा टी बी है आपके पास वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी वन जो किससे आएगा आपका, यूरिया से, प्लस डेल्टा टी वो आएगा ग्लूकोज से। दोनों का एडिशन होके फाइनल आपके पास डेल्टा टी बी आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए निकाल लीजिए, इसके लिए निकाल लीजिए, और के बी तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इसके लिए हम निकालें तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलेलिटी जो यूरिया है उसके लिए, प्लस के बी इंटू मोलेलिटी जो ग्लूकोज की वजह से, ठीक है। चलिए के बी को हम बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज 0.5,
मोलेलिटी, मास अपॉन मोलर मास सोल्यूट का अगर हम निकालें यूरिया के लिए 5, मास अपॉन यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, NH2CO NH2 डिवाइड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 85 का इनटू 1000, क्लियर प्लस, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो बट कॉन्सेप्ट है, यही काम में आएगा आपके पास, ठीक है। ग्लूकोज के लिए मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 85 इंटू 1000, क्लियर। चलिए तो ऐसा करते हैं 1000 और 85 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 85 को मैंने बाहर निकाल लिया, 5/60 प्लस 10/180, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, देखिए 1000 डिवाइड बाय ये कितना होगा आपके पास 170, ठीक है। एलसीएम लिया हमने 180, 3 × 5 = 15 प्लस 10, ठीक है, कैलकुलेटिव है, सॉल्व कर सकते हैं हम। 100 डिवाइड बाय 17 में लिखता हूँ इंटू 25 डिवाइड बाय 180, ठीक है। चलिए एक जीरो से आपका ये एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर आया 250 डिवाइड बाय 17 इंटू 18, तो 18 इंटू 17 अगर हम करें ₹816,306 आता है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर है 250 डिवाइड बाय 306, अप्रोक्सीमेट लेते हैं 300 करते हैं, ठीक है। तो 250 डिवाइड बाय 300 अगर हम करें 5.60 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके लगभग 0.8 के आसपास क्या आएगा आंसर, किसकी वैल्यू आएगी डेल्टा टीबी की, क्लियर है। चलिए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 प्लस डेल्टा टीबी, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्लस 0.8 दैट इज 100.8 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर केल्विन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 373 प्लस ये ऐड कर दो, ठीक है, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड आपके इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन पे आपको पूछे जा सकते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों की वजह से होगा, ठीक है। डिप्रेशन में पूछ लिया, मान लो दो को ऐड कर दे तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, डिप्रेशन होगा दोनों की वजह से होगा, ठीक है ना। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने 4 क्वेश्चन किए, ठीक है, पर चारों आपके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मैंने हर वैरायटी आपको बता दी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।